अपने साथ कुछ गरीब लोगों को लाया था, उनको ये शबरात का मलिदा लग रहा है। एंजॉय लाइफ, इट्स डिलीशियस। कुछ ज्यादा महंगा पड़ जाता ब्राउन शुगर मुझे आज। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज हम आए हैं ब्राउन शुगर। आपको पता होगा जोधपुर में अगर बेकरीज की बात करें तो किम और 1580 और अपना इनिंग्स, बट मेरे माने तो मैं पर्सनली आता हूँ ब्राउन शुगर के अंदर। क्या बात है, शुगर लगा रहे हैं, हम भी यहाँ पे शुगर लगाना है। और यहाँ का जो सबसे बेहतरीन चीज़ लगती है ब्राउन शुगर की, वो है बेस। जो केक का बेस होता है वो बनाते हैं ये ब्राउन शुगर से, और एकदम बुरबुरा सा होता है। क्या बताऊँ मैं आपको, आपने कभी अतराम कौड़े पे मांगीलाल का सिकावा घेवर खाया है? या सिकावा मावा, बस वही खाओ क्योंकि आने की ज़रूरत नहीं है। मांगीलाल वाली बातें कर रहे हो। सबसे बेहतरीन पेस्ट्रीज हम ट्राई करेंगे, और बहुत कुछ और भी है इनके पास में फास्ट फूड में, तो चलते बिना किसी देरी के ब्राउन शुगर में। ओ देखो सामने, वेलकम टू माय पार्टी, वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, अ लाइफ इज अ ड्रीम और अ नाइटमेयर स्टारिंग, हैंड मी अ ड्रिंक cuz आई थिंक आई एम गोइंग ऑल इन, गेट मी अ स्ट्रिंक हु कैन कैच मी व्हेन आई एम फॉलिंग, कवर अप माय स्कार्स, फ्लिप द हैंडलबार्स, क्रैशिंग इन माय कार, वेक अप इन अ बार, आई विल बी अ सुपरस्टार। Yeah, straight to the face, and I wanna get lost. I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get home safe. So I'm taking six shots all straight to the face. I'm taking six shots. Are you coming with me? I'm taking six shots. Yeah, straight to the face, and I wanna get lost. I'm sick of this place. Don't know how to stop. This way, so I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get home safe. So I'm taking six shots all straight to the face. I'm taking six shots. Are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose tattooed. Order किया है और चना भुना है और मसाला सेंट्रल वड़ा पाव है, and मेरी favorite hazelnut pastry. ये मैंने ऑर्डर किए है, एंड ये बिस्कॉफ माउस पेस्ट्री, एंड ये है मैंगो चीज़ पेस्ट्रीज, और हमने ये ऑर्डर किए ब्लूबेरी पेस्ट्री। यहाँ के बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं, किटकैट डोनट्स है, एंड यहाँ कुछ चॉकलेट्स है, और ये हेज़लनट केक जार, ये 150s के हैं बट है ऑसम। ये है पार्टी कैंडल्स, एंड बहुत क्यूट है, और भी काफ़ी कुछ है यहाँ पर एज बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, डेकोरेशन के लिए, एंड कुकीज, आटा सूजी कुकीज, एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स ओवर है, मिनी वनीला रोल। यार ये सही है यार, बड़ी तगड़ी चीज़ है। 200 रुपये के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रोल आ रहे हैं, 20 रुपये का एक रोल। बॉम्बे चाट पैनकर्ट ऑक्सर्ड सॉरी चॉकलेट पॉपअप एंड ब्रेड्स, ऐसा बेकरीज में होते हैं, दो है इनके पास में। बहुत सही सीन है यार, लव कमिंग ओवर हियर। सो गाइस ऑर्डर दे दिया है, एंड अब हम जा रहे हैं अपने टेबल पे, यहाँ सर्व हो जाएगा ऑर्डर। और बहुत बढ़िया लगा मुझे, उनको कोई मतलब नहीं, आप वीडियो बना रहे हो कुछ भी बना रहे हो, वो अपने खाने में मस्त है, ऐसे ही होना चाहिए। थोड़ा सा हेक्टिक कम होता है मेरे लिए। रेस्टोरेंट की बहुत प्यारी चीज़ लगती है ये बॉक्स में, एवरीथिंग सब अवेलेबल है। शुगर और वाइट शुगर के पाउच मिलेंगे, और ये आपको घर लेके जाना है जेब में डाल के। इसका इंटीरियर बहुत प्यारा है, फैन हूँ मैं यहाँ पे इंटीरियर का। बहुत ऑर्डर आ गया है, ये हेज़लनट, ये बिस्कॉफ, फिर आ गया है पेशावरी पनीर टिक्का सैंडविच, दिखने में बहुत डिलीशियस है,
और इसके साथ आपको थोड़ी सी फ्रेंच फ्राइज मिलती है, एंड ये है पेशावरी सैंडविच पनीर टिक्का, और ये है बिस्कॉफ पेस्ट्री, ये है ब्लूबेरी, एंड ये है हेज़लनट। जार आने बाकी है और दो डोनट आना बाकी है, तो उसका वेट कर रहे हैं, फिर साथ में खाएंगे। बाकी हमारा एक और जार आ गया है हेज़लनट, और ये है किटकैट, इसको दिखा दो आप, किटकैट डोनट। इस टेबल पे पूरा आएगा नहीं आएगा, मुश्किल है। चॉकलेट डोनट सब ऑर्डर आ चुका है एंड टेबल भर चुकी है, जगह नहीं है, इसलिए हमने वो बॉक्स उधर रख चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और आपको बताते हैं कैसा टेस्ट है ब्राउन शुगर का। सो गाइस, लगभग क्या पूरा ही ऑर्डर आ चुका है हमारा, सैंडविच है और डोनट्स भी आ चुके हैं, किटकैट डोनट है, चॉकलेट डोनट है, एंड ये है हमारा सबसे फेवरेट हेज़लनट, ये हेज़लनट है, और ये मेरा सबसे फेवरेट जार है, हेज़लनट जार, जिसमें नीचे ब्राउनीज है एंड ऊपर जो है हेज़लनट क्रीम है। बहुत ठंडी है ये, और इसको खोलने पे मज़ा आएगा। 150 रुपये का जा रही है। जो नॉर्मल रेगुलर जो होती हैं वो नहीं लिए हैं, बाकी जो स्पेशल है जो आपको दिखाने लायक है वो सारी पेस्ट्रीज और डोनट ऑर्डर कर दिए हैं। स्टार्ट कहाँ से करूँ समझ में नहीं आ रहा, पहले पेशावरी पनीर टिक्के से सैंडविच है, और बताऊँ मैं आपको, ये ब्राउन ब्रेड में बना है तो कैलोरीज भी कम होगी इसकी। हद से ज़्यादा क्रंची है, और एक आता ना भुनावा स्वाद, उस टाइप का है ये, और बीच में जो इसके वेजीज और पनीर टिक्का भरा है वो मुझे लग रहा है बीबीक्यू की तरह। फुली लोडेड है और बहुत हेवी और क्रंची है, बहुत टेस्टी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और अमेजिंगली अल्टीमेट, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा फील आ रहा है इसको खाने में। चार फ्रेंच फ्राइज दिए, वो भी खा के देख लेते हैं। अच्छी है, क्रंची नहीं है थोड़ी सी। ये है हेज़लनट जार विद ब्राउनीज, और अब हम इसको ट्राई करेंगे। इसकी जो ऊपर की क्रीम होती है बहुत ठंडी होती है, मैंने खाई है 2-3 बार, और नीचे ब्राउनीज है। बहुत यमी है, सबसे बढ़िया चीज़ तो इसकी जो स्मेल है बहुत इन्हेंस कर रही है, और बहुत ज़्यादा यमी है, मन नहीं कर रहा छोड़ने का, मुझे सब चीज़ें ट्राई करनी है तो मैं कम खाऊँगा। ऑसम है, ऑसम, मस्ट ट्राई। हेज़लनट का तो यार मैं फ़ैन हूँ, मुझे बहुत पसंद है। इसके साथ हेज़लनट पेस्ट्री भी ट्राई कर लेते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सेम ही दिख रहा है मुझे, क्योंकि दोनों की क्रीम एक जैसी है, हेज़लनट पेस्ट्री, बट ये थोड़ी सी सॉफ्ट है और वो थोड़ी सी थिक है। वाह यार, बिल्कुल डिफरेंट है, वो बहुत ज़्यादा थिक है, वो बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, बहुत लाइट वेट है, और ब्राउनी तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। लेने भैया, हेज़लनट के टुकड़े हैं, ट्राई करेंगे ब्लूबेरी चीज़ केक, और नीचे ब्राउन शुगर का केक लगा है। आप अगर नहीं देख पा रहे हैं तो देख लें, नीचे जो बुरादा है ये वही मांगीलाल वाला सिक्का मावा की तरह बुरादा है, ये जो मांगीलाल का बुरादा है ये ओसम है। बेरीज जो भी है वो कुछ खट्टी टाइप लगती है, कुछ ज़्यादा खास नहीं, बट चीज़ और नीचे जो केक है
ब्राउन शुगर का, खट्टा है, अच्छा है ये, बट थोड़ा सा खट्टा बना रहा है, पर अच्छा है, चीज़ बहुत ज़्यादा मेल्ट हो रही है। चीज़ें ट्राई कर लिया, समझ में नहीं आ रहा क्या क्या ट्राई करना बाकी है। गाइस ये बची है अब दो डोनट और एक ये पेस्ट्रीज, नाम अजीब सा है, बिस्कॉप मूस पेस्ट्री, और इसमें क्या है ये मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ऊपर हेज़लनट का है और साइड में ब्राउन शुगर लगी है, और खाने पे ट्राई करते हैं, एक बार और खाना पड़ेगा, मुझे पता नहीं पड़ रहा ब्राउन शुगर तो आ रही है, ये लगभग यार वही हेज़लनट वाला फीलिंग आ रहा है मुझे, बट ये है क्या ऐसे पूछना पड़ेगा मुझे। पर ये अच्छी है मूज जो है आती है पेस्ट्रीज उस टाइप की है, जो आपने डेयरी मिल्क खाई होगी मूज सेम वैसे है। हमारा बच्चा है डोनट, डोनट डोनट जैसे ही होता है, पकड़ते हैं और नाइफ राइट में पकड़ते हैं, और ये है चॉकलेट, बहुत कम डाली यार इसने, चॉकलेट बहुत कम है, सिर्फ डो के डो का स्वाद आ रहा है। घर में मैं न्यूट्रेला में डुबा के खाता हूँ, इसमें बहुत कम डालते हैं ऊपर की जो इनकी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट किटकैट डोनट, और ये इंतहा ही बेहतरीन स्वाद है इसका, न्यूट्रेला और किटकैट के पीसेस डाले हुए हैं, और दिखने में बहुत अच्छा है, तो मैं खा चुका हूँ, पहली बार नहीं खा रहा हूँ, काफ़ी बार खा चुका हूँ, तो बहुत टेस्टी है। चॉकलेट से ज़्यादा इसमें ज़्यादा न्यूट्रेला डाली उन्होंने, अपने साथ कुछ गरीब लोगों को लाया था, उनको ये शबरात का मलिदा लग रहा है। मैंने इतना ऑर्डर कर लिया है कि मैं अकेला नहीं खा सकता ये सब कुछ, तो शायद मुझे पैक करके ले जाना पड़े, और काफ़ी ऑर्डर कर लिया मैंने कुछ। हाँ तो ये तुम जैसे मांगीलाल को ले जाना चाहिए, तो मांगीलाल वाले हो तुम, और कुछ नहीं। तो गाइस यहाँ के फूड को मैं रेट नहीं करूँगा, क्योंकि सब इक्वल है और सब हाई इंग्रेडिएंट्स और क्वालिटी फूड है। सो ब्राउन शुगर का नाम ही है भाई, और काम भी है, सो ऑल आर यम यमी। पता तो गाइस ये था PWD का ब्राउन शुगर, आप ज़रूर आना यहाँ पे, यही एड्रेस है यहाँ का, रातानाला रोड, और बहुत यमी 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 चीज़ हमने खाई है। ये था PWD का ब्राउन शुगर, और जो मैं नहीं खा पाया वो मैंने पैक कर लिया, बहुत अच्छा पैकिंग दिया उन्होंने, दिखाओ बहुत प्यारा पैकिंग किया है। सो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना। बाय, टिल देन अल्लाह हाफिज़।